नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ एन एसी सर्किट, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड द इंस्टेंटेनियस करंट इन इट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन का फॉर्मूला आता है पावर इनटू टाइम। तो इसमें हम इंस्टेंटेनियस पावर यूज कर रहे हैं स्मॉल टाइम के लिए और साथ में टाइम डी टी, स्मॉल टाइम डी टी। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज ई इनटू आई इनटू डी टी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना देखो, VIP बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और ये हमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देता है VIP इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू P। तो ये फॉर्मूला बना VIP का फॉर्मूला बनता है और जो हमें देता है इलेक्ट्रिक पावर। अगर मैं यहाँ पर ये V ना अप्लाई करके मैं E अप्लाई करता हूँ EMF देन इज इक्वल टू P, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया E इंटू I। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट हमको अप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है ये होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी ध्यान दे आपका जो करंट है वो ईएमएफ से लैग बिहाइंड करता है, इसका ग्राफ फाइव फेज एंगल से। सपोज दैट अगर ये पूरा एंगल ई का जो एंगल है ओमेगा टी है और ये बीच वाला एंगल जो है इनके बीच का जो फेज डिफरेंस ऑफ फाई है और इन दोनों में ये वाला एंगल है, देयरफॉर इसका जो एंगल होगा ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। ये एंगल कितना था फाई ओमेगा टी और बीच वाला कौन सा है फाई, तो निचले वाला एंगल क्या हुआ ओमेगा टी माइनस फाई, देयरफॉर ये लैग बिहाइंड करता है माइनस फाई एंगल से। साथ में आपका डी टी, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी वाला, ये देखो दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई नॉट, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डी टी, साथ में डी टी इज इक्वल टू, अब यहां देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो इसको मैं इससे वन बाय वन करके मल्टीप्लाई करता हूं और इस तरफ में टी से मल्टीप्लाई करता हूं डी टी से, फॉर्मूला हो जाएगा देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट। अब इसको मैं वन बाय वन करके मल्टीप्लाई कर दूं E not I not sin to sin sin square omega t, साथ में बस cos है cos phi है। अब इससे मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस, माइनस क्या हो जाएगा ये देखो E not E not I not, साथ में I not है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, उसके साथ साथ है साथ में साइन फाई साइन फाई डी टी, और डी टी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और यहां से इस डी टी से यहां भी मल्टीप्लाई करना है माइनस डी टी। अब यहां पर देख ले इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, एक तो यहाँ पर फॉर्मूला साइन स्क्वायर का बन रहा है ये वाला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनता दिख रहा है मेरे को। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं टू से डिवाइड भी कर दूँ तो ये वाला फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, देयरफॉर ई नॉट I not, और ये फॉर्मूला किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2 ए
1 minus cos 2 omega t divided by 2 into dt. साथ में हमारे पास है cos 5, इसका cos 5 लिखना होगा, cos 5 dt minus देखिए minus e naught i naught, और ये फॉर्मूला बना sin 2 omega t divided by 2 into sin 5 dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, gw इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, देयरफॉर अब हमारे पास ये सब कॉमन है, e नॉट i नॉट 2 इज कॉमन, और साथ में हमारे पास क्या कॉमन है, cos phi कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t लिमिट 0 टू t साथ में dt विद रिस्पेक्ट टू dt, सिमिलरली माइनस e नॉट i नॉट और cos phi कॉमन ले सकता हूं मैं, क्योंकि cos phi कॉमन जिसके साथ t वाला ही टर्म इंटीग्रेट होगा, sin phi कॉमन और साथ में 2 भी कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, किसका इंटीग्रेशन होगा, ये वाली वैल्यू sin 2 ओमेगा t dt, ये वाला इंटीग्रेट होगा। अब इसके बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है t इज इक्वल टू e नॉट i नॉट डिवाइड बाय 2 cos, किसे डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से, cos phi इंटीग्रेशन ऑफ 1 का t माइनस cos का क्या होता है sin 2 ओमेगा t, अब याद रहे इसका जो मल्टीपल है ये वाला, ये फिर से डिवाइड करेगा यहां पर डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t माइनस e नॉट i नॉट sin phi एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t, कहां से का लिमिट है इसका, 0 से t के इसका लिमिट है। अब यहां तक देख लो, इसके बाद नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करते हैं आगे, ये हमारे तीनों फॉर्मूले यूज हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास है देखो W का इंटीग्रेशन, W इज इक्वल टू व्हाट, अब यहां देखो E नॉट I नॉट cos phi इनटू T, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें डाल देते हैं T माइनस 0 कर दूं। अब इसमें पिछले वाले स्टेप में हमने क्या था, अगर मैं इसमें लिमिट डाल देता हूं ये वाली वैल्यू, तो sin t, t में से t कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, यहां पर ये 4 पाई sin 4 पाई इज 0 और ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपके पास सब कुछ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर ध्यान दे, इस पॉइंट पे ध्यान दे, ये वाली वैल्यू, अब ये नेक्स्ट वैल्यू 0 की हुई, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं तो ये sin 4 पाई बनाता है, क्या बनाएगा आपका ये sin 4 पाई, कैसे बनाएगा sin 4 पाई देखो, ये देखिए sin 2 ओमेगा होता है 2 पाई बाय t आपने, और साथ में हमारे पास है 2 ओमेगा लेट इट रिमेन, इसको रहने दो, अब यहां देखो 0 टू t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें मैं लिमिट पुट करता हूं, ये देखो ये आपके पास अपर लिमिट क्या है sin, और ये होगा 4 पाई, t से t कैंसिल, अब यहां पर हम साथ में t पुट कर रहे हैं, इसके साथ t भी हमारे पास ओमेगा t, अब है यहां पर देख लो ये t है 2 पाई, 2 टू 4, अब
t into t upper limit minus lower limit, that is sine 0. अब यहाँ देख लो 4 pi is t से t cancel, sine 4 pi is 0 minus 0 is equal to 0, ये 0 हो जाता है. यहाँ देखो next ये आपका 0 हो चुका है ये वाला टर्म. इसी प्रकार से ये देखो minus minus e naught e naught I naught sine phi divided by 2 into upper limit minus lower limit. अब हम इसको भी सॉल्व कर देते एक बार, इसका वैल्यू क्या हो रहा है हमारे पास देखिए. माइनस याद रखो माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा. लिमिट क्या मेरे पास, इसका लिमिट है 0 टू t. देखिए क्या बनाता है अपर लिमिट, याद रखो माइनस cos 2 ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई अपॉन t इनटू अपर लिमिट क्या है t, यहां पर पुट करना है t, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस माइनस लोअर लिमिट cos cos टोटली 0 रहेगा डिवाइड बाय 2 ओमेगा, 2 ओमेगा कॉमन ले लो माइनस माइनस क्योंकि इसका ऑलरेडी माइनस था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब यहां देखिए माइनस cos 4 पाई t से t कैंसिल हो जाता है और 4 पाई माइनस माइनस प्लस cos 0 इज cos 0 कितना हुआ cos 0 और जो 2 पाई है 2 ओमेगा है वो हम कॉमन ले लेते हैं 1 बाय 2 ओमेगा. अब cos 4 पाई है, cos 4 पाई का वैल्यू होता है 1, कितना वैल्यू है cos 4 पाई 1, इसीलिए जवाब बनाया गया था ये cos pi is equal to 1, यानि कि लो 1 upon 2 omega, ये minus 1 और cos 0 is plus 1, therefore 1 upon 2 omega is equal to 0 minus 0 is 0, 0 therefore 0, तब total value क्या बना मेरे पास 0, ऐसे मैंने इसको solve कर दिया, तो यहाँ पर मैं इसको भी ये value यहाँ सब put कर दो, ये भी हमारे पास 0 हो जाता है. नेक्स्ट अब यहां देख लो w इज इक्वल टू क्या है, w इज इक्वल टू e नॉट साथ में अपन 2 भी डाल दिए डिवाइड बाय 2 ये वाला 2 cos e नॉट I नॉट cos phi डिवाइडेड बाय 2 into t. ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला चुका है, दिस इज योर वर्क डन, ये वर्क डन है. अब यहां देखो ये वर्क डन हमारा निकल चुका है. नेक्स्ट एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट इन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन इन कंप्लीट साइकिल टी, W का वैल्यू यहां से पुट कर दो तो P A V is equal to what is W, E naught I naught cos phi into T divided by 2, साथ में 2 भी है into upon वाला T भी है, T T से T cancelled out, therefore अब ये वैल्यू क्या होगा P A V is equal to 2 को मैं लिख सकता हूं, 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 is equal to under root 2 into under root 2, ये 2 के बराबर होता है. यहां से मुझे एक और न्यू वैल्यू मिलेगा e naught under root 2, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू into I naught upon under root 2 into cos phi. P A V is equal to E V into I V cos of phi. अब इस वैल्यू को हम बोलते हैं ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, एक तो मेरे पास ये प्रूव हो चुका है, इसको मैं लिख सकता हूं पी ए वी एवरेज पावर इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर, सॉरी इसको बोलेंगे हम अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर.